Hey guys, welcome to Roots and Charms and today we are talking about number 8. 8 number की numerology के बारे में बात करेंगे. तो वो सारे लोग जिनका birth हुआ है number 8, 17 या 26 of any month या फिर जिनका birth August month में हुआ है, which means 8 number से related जो भी लोग हैं वो सारे ही Saturn के influence में आते हैं. सैटर्न देवता जो हमारा शनि लॉर्ड है वो कर्मा से रिलेटेड होता है. तो ये सारे लोग जो इसके अंडर आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कर्मा से रिलेटेड उनके एक्शंस होते हैं, विच मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि उनसे कोई भी गलत काम ना हो, वो राइट पाथ पे चले. बहुत ही ज़्यादा नैतिकतावादी होते हैं, जिसे हम राइटियस पीपल भी बोलते हैं. तो वैसे होते हैं ये लोग और बहुत ही ज़्यादा रूल्स फॉलो करते हैं और उनकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होती है. साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं अपनी पूरे लाइफ स्पैन में. तो वो सारी डिफ़िकल्टीज़ मैरिज से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ वो लाइफ टाइम फेस करते हैं. शादी भी उनकी हो जाती है तो उसके बाद शादी एक तो जल्दी उनकी फिक्स होती नहीं है, और अगर शादी हो भी जाए तो मैरिटल प्रॉब्लम्स उनको बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं. ये सारे लोग जो सैटर्न से रिलेटेड हैं, नंबर 8 से रिलेटेड हैं, वो सारे ही लोग अपने करियर में वैसे तो अच्छा करते हैं, बट वहाँ पे भी अगर वो लीडरशिप से रिलेटेड अगर उनका प्रोफेशन हो, लाइक मैनेजर, टीम लीडर, तो वहाँ वो बहुत अच्छा कर सकते हैं. साथ ही साथ ये लोग बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं. वो बिजनेस छोटा हो, बड़ा हो, बट वो होते ही बिजनेस माइंडेड हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं. तो उनमें जो एक ज़िद होती है कि बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत काम करना है, और बिकॉज ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ तो वो बिज़नेस बहुत ही अच्छा कर सकते हैं. उनका सारा लक जो होता है उनको बिज़नेस से मिल जाता है. साथ ही साथ ये सारे जो 8 नंबर से रिलेटेड होते हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं. बट ये सारी क्वालिटीज़ होने के बाद भी उनके फ्रेंड्स ठीक से नहीं बन पाते या फिर फ्रेंड्स से उनको धोखा भी मिल सकता है. और ऐसे बहुत बार देखा गया है जो 8 नंबर से रिलेटेड होते हैं मोस्टली आइसोलेशन में होते हैं. अगर फ्रेंड्स बन भी जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने काम में और अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व वो रहते हैं, वो ज़्यादा फ्रेंड्स में नहीं घुल मिल पाते. वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होते हैं, बहुत जल्दी लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं अपने बोलने से, अपने बिहेवियर से, बट उनको बहुत सारा टाइम लोनलीनेस में गुजारना पड़ता है बिकॉज उनके फ्रेंड्स जो भी बनते हैं वो इतने ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं करते. सो दे आर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं अपने करियर में, क्योंकि फोकस माइंडेड होते हैं. उनका माइंड पूरा का पूरा अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो ऐसी पर्सनल लाइफ में पार्टीज़ करना या घूमना फिरना वो ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं. सो नंबर 8 से जो रिलेटेड होते हैं वो बॉन्ड लीडर्स होते हैं, तो उनको ऐसे ही प्रोफेशंस करने चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को, फाइनेंशियल या फिर अकाउंट्स से रिलेटेड कोई काम हो उसमें वो बहुत अच्छा कर पाएंगे. देन उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन होता है स्पिरिचुअलिटी, भगवान या फिर गॉड या फिर यूनिवर्स, जिसे भी वो सही समझे अकॉर्डिंग टू दिस धार्मिक तरीके से, तो वो उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं. तो वो बहुत ही ज़्यादा उनका इंक्लिनेशन होता है वो स्पिरिचुअल थिंग्स के ऊपर होता है, वो भगवान, कर्मा, इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं. तो ये सारी बातें थी अबाउट नंबर 8, और 8 नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा 4 या फिर 8 नंबर की सीरीज ही चूज़ करनी चाहिए इन डेट वाइज, या फिर कोई उनका इम्पॉर्टेंट काम है या फिर अगर वो शादी भी करना चाहें तो ऐसे ही नंबर की सीरीज में कर सकते हैं. 4 और 8 जिसका कैलकुलेशन हो वो उनके लिए अच्छे नंबर्स होते हैं. देन ब्लू से रिलेटेड सारे कलर्स मोस्टली डार्क ब्लू होता है, या फिर ग्रे, ऑल द शेड्स ऑफ ग्रे, ऑल द शेड्स ऑफ ब्लू, मोस्टली डार्क ब्लू कलर्स
एंड पर्पल कलर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी होता है। और स्टोन्स में देखा जाए तो जेम स्टोन्स में उनके लिए सबसे लकी जेम स्टोन तो ब्लू सफायर होता है, नीलम जो शनि का ही स्टोन है, उसके बाद काइनाइट है, लैपिस लजूली है, सोडा लाइट है, ये सारे भी सैटर्न से रिलेटेड स्टोन्स है जिसे हम सेमी प्रीशियस या हीलिंग क्रिस्टल्स कहते हैं, वो सारे ही स्टोन्स उनको सूट होते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ थी अबाउट नंबर 8। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच, बाय।